नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ फिटनेस यूट्यूबर्स के बारे में बात करूंगा, या फिर जिसको आप गुरु बोलते हो। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा इस वीडियो के जरिए, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसको डीमोटिवेट करूं या फिर उनको गलत लगे, लेकिन सच ये फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक स्कैम में फंसाया जा रहा है, आपको उल्लू बनाया जा रहा है। कैसे उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे स्कैम में आप फंसते जा रहे हो, इसका सारा डिटेल्स इस वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहो। अगर आपको प्रूफ के साथ चाहिए कि क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जिसको आप गुरु मानते हो, आज के जमाने में जिसको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, क्योंकि इंडिया में लोग बिलीव करते हैं 22 इंच की बाइसेप देख के। ट्रूथ है ये, फैक्ट है ये, कि अगर आज मैं आपको बताऊंगा कि एक से अच्छा है तो आप नहीं मानोगे, बिकॉज आप बोलोगे भाई मैं जो गुरु है वो उसकी 22 इंच हाथ है, तेरा कितना हाथ है। तो बाइसेप्स देख के लोग डिसाइड करते हैं कि एक साइज अच्छा है कि नहीं है। तो इसी को बात करूंगा आज की। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको गलत सिखा रहे हैं, काफी दिनों से गलत सिखा रहे हैं, और मैं भी उनको फॉलो करता था इससे पहले, जब तक मैंने एक्सरसाइज एंड साइंस की कोर्स नहीं किया था। लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज एंड साइंस पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली वो जो सिखा रहे हैं वो गलत है। कौन कौन सी एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको, तो बताता हूँ सबसे पहले कि आपने गुरु में देखा होगा कि काफी से वीडियो बनाते हैं कुछ लोग, किसी का भी नाम नहीं लूंगा पहले बता दे रहा हूँ, और ये भी नहीं बोलूंगा कि वो लोग पूरा गलत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, आप पूरा वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं जिसका गुरु मानते हो, जो लाखों लाखों मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, वो आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि भाई लोअर एब्स के लिए अलग एक्सरसाइज है, एब्डोमिनल के लिए अलग एक्सरसाइज है, और आपके चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज है, इनर चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज है, बाइसेप्स तीनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस है, ट्राइसेप के लिए हजारों वेरिएशन दिखाते हैं आपको। सो मैं आपको बता चाहूंगा कि अगर आप एक्सरसाइज साइंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, साइंस ये बताता है कि किसी भी मसल्स जो है वो ऐसे काम नहीं करता जैसे आप चाहते हो। मसल्स काम करते हैं अपने पुलिंग और पुशिंग के हिसाब से। एक चीज आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो मैंने खुद देखा है, काफी गुरु गुरु के वीडियोस, काफी मिलियन मिलियन लाखों लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं जो लोग। हाँ, कुछ लोगों को सच में मालूम नहीं होता क्योंकि उन्होंने कोर्स नहीं किया, ऐसी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस कैरियर के एक्सपीरियंस लेके बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत अच्छा गुरु मानते हो, आप समझ चुके होंगे थंबनेल देख के या फिर मेरे बोलने के तरीके देख के। वो लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई उनको सब मालूम होता है कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज होता ही नहीं है, इसमें कुछ काम होता ही नहीं है, फिर भी बता रहे हैं आपको लोअर एब्स के लिए अलग एक्सरसाइज, मिडिल के लिए अलग एक्सरसाइज, अपर के लिए अलग एक्सरसाइज। तो होता क्या है, मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूं। हमारे एब्डोमिनल जो एरिया होता है ना, यहाँ पे तीन मसल्स होते हैं सिर्फ, एक होता है रेक्टस एब्डोमिनस, एक होता है इंटरनल ऑब्लिक और एक एक्सटर्नल ऑब्लिक। अब जो रेक्टस एब्डोमिनस एरिया होता है हमारा, वही हमारा लोअर एब्स, अपर एब्स और मिडिल एब्स ही काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक लोअर एब्स नहीं होते, ये उनको ही मालूम होता है। लेकिन फिर भी आपको वो ऐसे हजार वीडियो डाल के बैठे हैं कि भाई लोअर एब्स के लिए तू लेग राइजिंग मार ले, लोअर एब्स के लिए तू ये मार ले, वो मार ले। तो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ये स्कैम है। उनके पैसा आते हैं फिटनेस से, उनकी जो पैसा आते हैं वो आते हैं यूट्यूब से। अगर वो कुछ अलग नहीं करेंगे तो आप उनकी वीडियो में जाके लाइक नहीं ठोकोगे, आप उनकी वीडियो में जाके सब्सक्राइब नहीं मारोगे, आप उनकी वीडियो पे जाके कुछ अलग नहीं सीखोगे। यूट्यूब में जितने भी सारे लोग बैठे हैं, अगर आज मैं बोलूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, गलत है। लोग यूट्यूब वीडियो बनाते क्यों बनाते हैं, आपके क्यों लोग सिखाएंगे बेवकूफ, फ्री में क्यों बांटेंगे, बिकॉज उनको इस पोजिशन पे, इस फील्ड पे पैसा मिलता है, इसीलिए सिखाते हैं वो। तो अगर वो कुछ अलग नहीं करेंगे तो उनकी व्यूज नहीं आएंगे, उनकी सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो सही नहीं है, उनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो टॉपिक्स नहीं मिलता, कुछ एक्सटर्नल करने की चीज चक्कर में वो आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आपको गलत एडवाइस दे जा रहे हैं। अब एक और चीज गाइस, आपने देखा होगा कि ट्राइसेप के हजारों वेरिएशन दिखाते हैं, बाइसेप के हजारों वेरिएशन दिखाते हैं, आपको बोला जाता है कि तू इससे मार ले, इससे ट्राइसेप होता है। गाइज, हमारा जो आर्म्स की पार्ट है ना, ये सिर्फ 10% है। आपको पता है हमारा बॉडी के अंदर ये जो बाइसेप एंड ट्राइसेप होता है 10% है, 10% सबसे ज्यादा लोअर बॉडी पे हमारा मसल्स है, 60% मसल्स वहां पे है।
अब अगर आपको मैं बता दूं कि हमारा लैटिसमा डोर्सी के बैक में एक मसल होता है रोम्बॉइड नाम के, आप सर्च कर ले आपको मिल जाएगा, वो बाइसेप भी बड़ा है। कभी आपने सोचा है, कभी उन्होंने आपको बताया है कि रोम्बॉइड किक साइज कौन कौन सी है? ऐसा कभी नहीं बताएंगे, बिकॉज वो लोग यही करते हैं जो आपको नीड होते हैं। अगर आप उनकी वीडियो जाकर चेक करोगे तो आपको सारे कुछ पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीजें जो गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें गलत सिखाते हैं। अगर आपको हाइपरट्रॉफी चाहिए, हाइपरट्रॉफी मतलब होता है आपके मसल ग्रोथ, तो किसी भी एक्सरसाइज आप कर लो, किसी भी कर लो, आपको सब मिलेगा, सब में मिलेगा आपको। लेकिन जो स्पेसिफिक काम होता है मसल्स का, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो देखता हूँ काफी यूट्यूबर्स की, काफी बड़े बड़े गुरु की, वो जाते हैं इनर चेस्ट के एक्सरसाइज होते हैं। गाइस हमारा चेस्ट में ना तीन ही मसल होते हैं, एक होता है आपका स्टर्नम कॉस्टा, एक होता है आपका पेक्टोरल मेजर और एक होता है आपका क्लैविकल हेड। तो ये तीनों मसल्स है, तीनों मसल्स के लिए तीन एक्सरसाइज पता है कौन कौन सी है? इंक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस और फ्लैट बेंच प्रेस। आप जो फ्लाई मारते हो कुछ नहीं होता, तीन एक्सरसाइज में आपको काम हो जाता है। और अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा बताए? ओवर ट्रेनिंग के चक्कर में आपको ग्रो नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी वीडियो देख देख के एक्सरसाइज करते हैं फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? देखो गाइस, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, जब तक आपके न्यूट्रिशन परफेक्ट नहीं होंगे तो कुछ नहीं होता। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे हाइपरट्रॉफी चाहिए, मुझे डेली लाइफ में काम करनी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं चाहिए, तो एक चीज आप समझ लो, वो जो करते हैं वो एथलीट करते हैं। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप काम धंधा छोड़ के घर पे बैठे रहो, डेली का खाना खाओ, आराम सो जाओ, दो टाइम जिम जाओ, आपकी एक कहानी खत्म। अगर आप ये कर सकते हो तो एक एक्सरसाइज करो। मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है, गलत नहीं है, लेकिन साइंस से बोलता है कि आपको वो जो चीज दिखा रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, लेग राइजिंग करने से आपके लोअर एब्स ग्रो होंगे, इनर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज मार लो, आपके इनर लाइन क्रिएट होंगे। बकवास है इसमें कोई, यहाँ पे कोई ऐसा, आप जितने मार लो ना कभी नहीं निकलेंगे गाइस, कभी नहीं निकलेंगे, बिलीव मी। वो आपको लग रहा होता है, ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें लाखों लोग वीडियो बनाते हैं, जो बड़े बड़े गुरु आपके इतने दिनों से बेवकूफ बनाते जा रहे हैं उतना वो वीडियो बना के। और मैं जानता हूँ मेरे वीडियो अभी कोई नहीं देखने वाले हैं, कोई नहीं देखने वाले, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये बकवास कर रहे हैं, इनको सिर्फ व्यूज लेना है, पैसा कमाना है। बट ऐसा नहीं है गाइस, पैसा मुझे कमाना है, जरूर कमाना है, मैं इस वीडियो से इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पहुंचे और मैं वायरल हूँ और मैं पैसा कमाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं, बट गलत तरीके से नहीं, जो सही होता है उसी तरीके से। मैं भी वीडियो बना सकता था हजारों वेरिएशन करके कि ये मान लो आपके ट्राइसेप बड़ा हो जाएगा। भाई हाइपरट्रॉफी के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ वो लोग गलत नहीं है, हाइपरट्रॉफी के लिए कुछ भी एक्सरसाइज करो आपको सही में मदद करेगा। लेकिन क्या आपको बताया कि एक्सरसाइज आपको डेली लाइफ में कैसे काम आ सकते हैं? आप एक्सरसाइज इसलिए करते हो ताकि वो डेली लाइफ में आप यूटिलाइज कर सको। आपको कभी नहीं बताएंगे कि भाई तू एक्सरसाइज मत कर, ये डेली लाइफ में काम नहीं आएंगे। आपको सिर्फ बताएंगे कि हाइपरट्रॉफी चाहिए तो ये सब में मिलेगा। आप हमें लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज करने के लिए। और ये लाइन वगैरह क्या चक्कर है गाइस? बहुत कुछ चीजें मैंने अभी सीखा हूं उससे जो गलत बताने जा रहे हैं आपको, आप क्यों बिलीव कर रहे हो? मैं आने वाले वीडियोस में सारे आपको टॉपिक क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी पार्ट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है। और आपको एक बात और बता जाता हूं कि आपने देखा होगा कि उन्होंने बताते हैं चेस्ट डे, लेग डे, आर्म्स डे, बैक डे, बाइसेप डे, घटिया चीजें। आपके मसल्स ऐसे काम नहीं करते कि आप जब उसको चेस्ट प्रेस मारोगे तो बोलेगा हाँ चेस्ट अभी ग्रो कर रहा है तो चेस्ट मार ले। आपके मसल्स ऐसे काम नहीं करते, आपके मसल दो तरह काम करते हैं, पुलिंग एंड पुशिंग इफेक्ट पे। आप जब भी पुश करोगे कुछ चीजों को तो उसमें आपके डेल्टॉइड्स, आपके चेस्ट, आपके ट्राइसेप ये ऑटोमेटिकली काम होगा। आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि मेरा अभी चेस्ट ही ग्रो करेगा। आपके मसल ऐसे काम नहीं करते बिलीव पे। और वो लोग बताते हैं आज चेस्ट डे है, आज लेग डे है, आज आर्म्स डे है, तो ऐसे आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आपको दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हाँ ऐसे होते हैं। उनको सब मालूम होता है फिर भी उन्हें आपको नहीं बताएंगे। ऐसा क्यों नहीं बताएंगे? बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झोल यही है, सबसे बड़ा स्कैम यही है कि लोग सिर्फ पैसे बारे में सोचते हैं, लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनको कुछ अच्छा नॉलेज दी जाए। आपको कैमरा के सामने आके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ यार जो मैं बोल रहा हूँ सही है, वो साइंटिफिक प्रूव है। मैंने अभी ऐसी वीडियो देखा है जो बताएंगे आपको ये साइंस बेस्ड नॉलेज है,
अगर वो मुझे बता सकते हैं प्रूफ के साथ कि साइंस बेस्ड प्रूफ है ये एक्सेस करने से आपके ये चीज ग्रो होगा और फंक्शनलिटी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं हार जाऊंगा और मैं वीडियो फिर डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं बता पाए तो वो लोग क्या करेंगे मुझे आप बताएंगे प्लीज? कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज उनको सिर्फ पैसा कमाने हैं। बहुत से सप्लीमेंटेशन है ऐसे जो वो आपको बताएंगे, लेकिन वो कोई चीज ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं नॉलेज इज द पावर बेबी। नॉलेज बढ़ाओ, अपना कुछ पढ़ो, रिसर्च करो इसके ऊपर, कुछ लोगों की बातों को सुन के, हाँ वही गुरु है मेरा, वही सब कुछ है, ऐसे बिलीव मत करो। मैंने भी बिलीव करता था गाइस, लेकिन अब नहीं करता हूं, बिकॉज मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक्सरसाइज साइंस सीख रहा हूं। एक्सरसाइज साइंस ने कभी आपको नहीं बताएंगे इनर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है। आप देखो उनकी वीडियो, गुरु की वीडियो जाके देखो, जो बताएंगे लेग राइजिंग में आपको एब्डोमिनल एरिया हिट होता है, मिडिल अपर एब्स के लिए आप क्रंचेस लगा लो, अपर एब्स होगा, हजारों वेरिएशन होता है एब्स के भी, एक से ऐसे बहुत जो गलत है, जो कोई भी काम के नहीं है, आपको कुछ भी आपको वहां पे काम नहीं मिलेगा, फिर भी वो बताते हैं हाँ यही सही है, बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी, बिकॉज दिस इंडस्ट्री बिगेस्ट स्कैम इज उनको सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ नहीं कमाना है। उनसे पैसा आते हैं लाखों लाखों करोड़ों रुपए वही से कमा रहे हैं। तो अगर उनको आप, अगर वो आपको बताएंगे कि हाँ ये चाहिए तो आप बिलीव कर दो, उनके 22 इंच के हाथ है भाई, मेरा तो भाई 10 इंच के हाथ भी नहीं है। बाइसेप देख के लोग इंडिया बिलीव करते हैं, बट एज अ कोच एज अ ट्रेनर आप पहले जब जिम में जाते हैं हम तो पहले देखते हैं आर्म्स उनके कितने बड़े हैं, उसी की बात सुनूंगा मैं। कोच ऐसा नहीं होता, कोच की होता है, कोच का काम होता है आपको सही नॉलेज देना, सही टेक्निक सिखाना। कोच की आर्म्स बड़े होने के लिए वो कोच नहीं बना है, आप पहले इसको बिलीव करो। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता, अगर उन लोगों को कोई आंसर है इस क्वेश्चन का कि वो लोग गलत सिखा रहे हैं, मैं गलत हूं, वो सही सिखा रहे हैं, मैं गलत हूं, तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और मैं चैनल डिलीट कर सकता हूं, लेकिन प्रूफ देना होगा। मेरे पास प्रूफ है, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, और एक साइंस बेस्ड है, उनको भी मालूम है, वो भी वीडियो देखेंगे, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग गाली दोगे, मैं जानता हूं। आई एम रेडी फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर माई कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट टाइपिंग गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ चुका होगा, शेयर करें इस वीडियो को ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जो कि गलत सिखा रहे आप लोगों को इतना सालों से, जिनको पास सब कुछ नॉलेज है, न्यूट्रिशनिस्ट का, एक्सरसाइज साइंस का, सब सीख चुके हो, लेकिन फिर भी आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं जस्ट फॉर मेकिंग मनी। आने वाले वीडियो मेरे बहुत ही खतरनाक होने वाले, उनकी मैं सब कुछ उतार दूंगा जितने जितने वीडियो बनाऊंगा। अगर रोक सको तो आप लोग रोक लो, पर मैं अपने कोशिश पूरी करूंगा आप लोगों को सही नॉलेज देने के लिए। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आने वाले वीडियो लेकर आने वाला हूं वो आज की जितने भी आपने यूट्यूब वीडियो देखे होंगे उससे कहीं अलग होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जाके, और गाली देते रहे कोई फायदा नहीं है गाइज, मैं अपना काम करता रहूंगा, आई हैव नो ईगो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैसेज कर दो उनको यार कैसे वीडियो बनाया मैंने।